हम लेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, अकेले लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होते, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र इनकन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, तो ब्रह्मास्त्र इन कन्वेक्स लेंस में हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये स्पोर्टिंग लाइन है, ओके। इसमें क्या होता है, दोनों साइड हमारे पास क्या होता है, एफ टू एफ, और अगर देखें यहाँ इंफिनिटी, यहाँ एफ टू एफ, आगे देखें तो इन्फिनिट। इसमें दोनों साइड हमारे पास क्या होती हैं, एफ और टू, दोनों साइड इमेज बन सकते हैं, क्योंकि दो क्या है हमारे पास, अगर देखें तो दो कर्व बांधे हैं, एक इसके लिए होगा और एक इसके लिए, ओके। ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस में ब्रह्मास्त्र पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हमारे पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारे पास क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारे पास फोकस पे बनती है, और जब टू एफ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारे पास टू एफ पे ही बनती है। तो इस केस में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से 2f तक आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से 2f तक मूव कर रहा है, तो इमेज हमारे पास f टू 2f जाएगी, ओके। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से 2f तक मूव कर रहा है, तो उस केस में जो इमेज होगी वो क्या होगी, 2f टू 2f मूव करेगी। जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी से 2f तक आ रहा है, तो इमेज जो हमारे पास होगी वो f टू 2f जाएगी, और 2f पे दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव, अगर ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट मूव इन्फिनिटी टू 2f, तो इमेज क्या होगी, अगर इमेज होगी तो वो क्या होगी हमारे पास मूव करेगी, इमेज होगी मूव एफ टू 2f, ओके। और साइज क्या आ जाएगा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, बिकॉज ये तो क्या है, इन्फिनिटी से मूव कर रही है, और इसको क्या है एफ से 2f तक, तो क्या होगी ये स्मॉलर इन साइज, और क्या बनेगी उल्टी इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड बनेगी, और क्या होगी हमारे पास स्मॉलर इन साइज इन्वर्टेड, और उस साइड बन रही है तो क्या होगी रियल इमेज, ये क्या बनेगी रियल बनेगी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज के, और मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा फिर लेस देन वन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन वन, सॉरी लेस देन वन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या होता है, वी बाई यू, यू बाई वी होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वी, वी बाई यू होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू, तो वी क्या है हमारे पास स्मॉलर इन साइज है, और यू क्या है लार्जर इन साइज, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन लेस देन वन, ओके। पहला केस तो हमारा ये हो गया, अगला केस अगर देखें, ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट केस, अगला केस सेकेंड केस देखें, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे पास टू एफ टू एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास जा रहा है 2f टू f, तो जो हमारे पास इमेज होगी वो कहाँ आ जाएगी, 2f टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ जाएगी 2f टू इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेकंड केस अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट मूव 2f टू f, तो इमेज कहाँ जाएगी, ये भी क्या बनेगी रियल, अगर इस साइड ऑब्जेक्ट है इस साइड इमेज बनती तो क्या होती है रियल, अगर इसी साइड ऑब्जेक्ट है और इसी साइड क्या बनेगा हमारे पास इमेज बनेगी, तो वो क्या होगी वर्चुअल इमेज होगी। तो इमेज के बारे में देखें तो क्या क्या होगा, इमेज कहाँ से काम करेगी 2f टू इन्फिनिटी मूव करेगी, ओके, और लार्जर इन साइज होगी, लार्जर इन साइज हुई तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ग्रेटर देन वन, ओके, और क्या बन रही है इन्वर्टेड, और रियल
और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ओके तो देन राइट आउट अगला केस हम देखें, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F2O, तो इस केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट F2O मूव कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर में, तो F से उधर जाते ही ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास इमेज होगी इस इंफिनिटी से इधर शिफ्ट हो जाएगी और कहां पे मूव करेगी, F2O। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इमेज होगी जब F से इधर ही ऑब्जेक्ट आते ही, उस केस में क्या हो जाएगी, जो हमारे पास इमेज बनेगी वो इस इंफिनिटी से शिफ्ट होके इधर शिफ्ट हो जाएगी, उस इंफिनिटी से इधर शिफ्ट हो जाएगी और कहां मूव करेगी, इंफिनिटी टू ओ, फिर इंफिनिटी टू ओ मूव करेगी, यहां से इंफिनिटी टू ओ मूव करेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मूव्स एफ टू ओ, तो उस केस में क्या होगा, एफ से उधर शिफ्ट होते ही जो इमेज होगी वो इस इंफिनिटी से इधर शिफ्ट हो जाएगी और फिर मूव करेगी इंफिनिटी टू ओ। तो इमेज के बारे में अगर देखें तो इमेज क्या होगी, मूव्स इंफिनिटी टू ओ, इंफिनिटी से ओ तक मूव करेगी। ओके क्या होगी, लार्जर इन साइज, क्या बनेगी, लार्जर इन साइज, और क्या होगी, वर्चुअल, क्या रहेगी, इरेक्ट, क्योंकि सेम साइड में बन रही है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन वन, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा। ओके तो देन राइट दो, अगला केस देखिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ टू इंफिनिटी, ओ टू इंफिनिटी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारे पास ओ टू इंफिनिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ टू इंफिनिटी तो ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और फिर हमारे पास जो इमेज मूव करेगी वो क्या होगी, ओ टू एफ, जो इमेज होगी वो कहां जाएगी, ओ टू एफ। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मूव ओ टू इंफिनिटी, ये क्या हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज के बारे में अगर हम देखें तो इमेज क्या करेगी, मूव करेगी ओ टू एफ, इमेज क्या होगी हमारे पास ओ टू एफ, और ये क्या बनेगी, रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन वन, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज से ज्यादा होगा। ओके तो देन राइट डाउन, और इस केस में क्या है, जो कन्वेक्स लेंस है ये सारे की सारी जो इमेज है ये एज इट इज बनती हैं, इन केस ऑफ मिरर, कनकेव मिरर के केस में यही सारी वैल्यू हम देखते हैं इमेज के बारे में सेम टू सेम। अगर कन्वेक्स लेंस का डिस्कशन किया जाता है तो उस केस में ये एज इट इज होता है, किसकी तरह, कनकेव लेंस की तरह, कनकेव मिरर की तरह सॉरी। तो इसमें कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस सिमिलर होता है, कन्वेक्स लेंस सिमिलर होता है कनकेव लेंस के।
कनकेव मिरर के। तो इस केस में कन्वेक्स लेंस में जो इमेज के बारे में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट तो सेम एज इट इज होता है हमारे पास कनकेव मिरर में, तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस इक्विवेलेंट क्या होता है कनकेव मिरर के। ओके तो देन राइट डाउन, तो इसमें अगर कन्वेक्स लेंस की बात की जाती है तो एज इट इज होता है कनकेव मिरर की तरह। अगर आपको कनकेव लेंस याद, अगर एक आप याद कर लेते हो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, तो उस केस में लेंस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस भी एज इट इज कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की तरह होते हैं। ओके तो कन्वेक्स लेंस की सारी एज इट इज बातें इमेज फॉर्मेशन की कनकेव मिरर से मिलती है। देन राइट डाउन, ब्रह्मास्त्रा इन कनकेव लेंस। ये क्या हमारे पास कनकेव मिरर है, ये क्या होगी पोर्ट्रेट लेंस, ये दोनों क्या होती है स्पोटेड लाइन होती है। ओके ये क्या हो गया एफ ऑप्टिकल सेंटर, टू एफ एफ टू एफ। इस केस में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से ओ, ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है इन्फिनिटी से ओ, तो इस केस में जो हमारे पास इमेज होती है वो क्या करती है एफ टू ओ, इमेज जो बनती है वह एफ टू ओ पे बनती है। अगर इन्फिनिटी पे है तो एफ पे हमारे पास क्या, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उस केस में जो हमारे पास इमेज बनती है वो एफ पे बनती है। ओके अगर जब ऑब्जेक्ट क्या आता है ओ पे आ जाता है तो इमेज भी क्या बन जाती है ओ पे, सेम साइज हो जाता है। तो पहला केस अगर हम देखें, पहला केस क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन्फिनिटी टू ओ, तो इमेज के बारे में अगर हम देखें तो इमेज क्या हुआ मूव्स एफ टू ओ, और क्या ये स्मॉलर इन साइज क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्या है इन्फिनिटी से ओ तक आ रहा है और इमेज को मूव करना पड़ता है सिर्फ ऑफ टू ओ। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा लेस देन वन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ इमेज से, और ये क्या बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट क्योंकि उसी साइड बन रही है जिस साइड क्या है ऑब्जेक्ट। ओके तो देन राइट डाउन, ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ टू एफ, ये क्या है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव्स ओ टू एफ, ये क्या हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या, हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें मूव्स ओ टू एफ, ये क्या हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि लेंस से इधर हो गया तो क्या हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज अगर हम देखें तो वो क्या बनेगी, इमेज हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी ओ टू इन्फिनिटी, अगर इमेज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी ओ टू
इंफिनिटी, इमेज हमारे पास होती है ओ टू इंफिनिटी, इमेज मूव्स ओ टू इंफिनिटी, क्या होगी ये रियल, क्योंकि इसी साइड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज बन रही है, रियल। और क्या ये सेम साइड बन रही है, इरेक्ट। और लार्जर इन साइज, मैग्निफिकेशन क्या होगी ग्रेटर देन वन, और वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये क्या हो गया हमारे पास केस नंबर टू। देन राइट डाउन अगला केस। अगर हम देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F2 to F, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F2 to F, तो जो इमेज होगी वो इस इंफिनिटी से शिफ्ट होके इधर इंफिनिटी पे आ जाएगी, और कहां कैसे जाएगी इंफिनिटी टू टू F। उस अगर ऑब्जेक्ट F से इधर थोड़ा सा पैर रखते ही क्या हो जाएगा, जो इमेज होगी वो इस इंफिनिटी से शिफ्ट होके इधर आ जाएगी, और कहां पे बनेगी इंफिनिटी से टू एफ तक मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स एफ टू टू एफ, तो जो इमेज होगी वो क्या होगी हमारे पास, इमेज जो होगी मूव्स इंफिनिटी टू टू एफ, और क्या होगी लार्जर इन साइज, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगी ग्रेटर देन वन, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। ओके और क्या बनेगी ये वर्चुअल, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है इमेज उधर बन रही है, तो क्या होगी वर्चुअल, क्योंकि इसी साइड हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो इसी साइड स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट इधर ही लाई कर रहा है, तो इस केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बन जाती है तो क्या होती है वर्चुअल होती है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनती है। ओके क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही हमेशा बनती है। ओके जब एफ टू टू एफ करेगा तो इस इंफिनिटी से शिफ्ट होके इमेज उस इंफिनिटी पे जल जाएगी, और इंफिनिटी से टू एफ मूव करेगी, और क्या होगी वर्चुअल ही इमेज बनेगी। ओके देन राइट डाउन ये क्या है, रियल रियल ऑब्जेक्ट रियल जोन है, और ये क्या है हमारे पास वर्चुअल जोन है, किसके लिए रियल इमेज के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इधर, ये वर्चुअल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए, और रियल इमेज बनेगी इधर। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रियल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए, और ये क्या बनेगी वर्चुअल इमेज, ये रियल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए, ये क्या वर्चुअल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए, इधर क्या बनेगी रियल इमेज, और इधर वर्चुअल इमेज। ओके अगला केस अगर हम देखें तो उस केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू एफ टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट मूव टू एफ टू इंफिनिटी, तो उस केस में जो इमेज होगी वो टू एफ मूव करेगी। ओके तो ऑब्जेक्ट मूव टू एफ टू इंफिनिटी, ये भी क्या हमारे पास वर्चुअल है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू एफ टू इंफिनिटी, तो इस केस में इमेज क्या होगी, इमेज हमारे पास क्या होगी टू एफ टू एफ मूव करेगी, और क्या होगी ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन लेस देन वन, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज से, और ये क्या बनेगी वर्चुअल,
क्योंकि ये रियल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए और ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जोन के, वर्चुअल जोन है ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसमें रियल इमेज बनेगी, इधर क्या बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, परमास्त्रा इन कनकेव लेंस और इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस की सेम होगी किसकी तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह। एज इट इज ये किसमें है, कन्वेक्स मिरर में एज इट इज ही पढ़ाई जाती है जो कनकेव लेंस में पढ़ाई जाती है। ओके, तो देन राइट डाउन अगला हम क्या पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ लेंस। ओके, ये क्या हमारे पास एक भी कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट को। तो इस केस में लाइट अगर ऐसे आई तो मान लीजिए वो क्या होगी, इस तरह बैंड होके यहां बन गई। जब लाइट रे ऐसे आई तो वो इधर बैंड करके यहां बन गई, तो ये क्या करती है लाइट को कन्वर्ट करती है। और इनकी क्या होती है पावर होती है, जो पावर होती है वो क्या होती है दोनों बाउंड्री के लिए क्या होती है सेम होती है। और पावर का मतलब क्या है कि वो लाइट रे को मोड़ने की क्षमता कितनी रखती है, वो हमारे पास क्या होती है पावर। तो इक्वी कन्वेक्स लेंस की पूरी जो पावर होती है वो इतनी पी होती है और दोनों बाउंड्री की क्या होती है सेम सेम होती है। जितना ये मोड़ेगी बाउंड्री लेंस उतना ही क्या करेगी ये मोड़ेगी और ओवरऑल क्या रिजल्ट आता है कि इमेज यहाँ बनेगी। तो इस केस में अगर पूरी लेंस इक्वी कन्वेक्स लेंस की पावर पी है, अगर पूरे की पावर पी है तो इसकी भी क्या है पी बाय टू और इसकी भी क्या होगी हमारे पास पी बाय टू। तो एक बाउंड्री की क्या होगी पी बाय टू और दूसरी की भी पी बाय टू, तो टोटल जो होती है पावर वो होती है पी। पी मतलब पावर क्या होती है कि लाइट रे को कितना मोड़ती है वो हमारे पास क्या होती है पावर। ओके, तो इफ पावर ऑफ इक्वी कन्वेक्स और इक्वी कनकेव लेंस इज पी, अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस और इक्वी कनकेव लेंस की पावर क्या है पी, देन पावर ऑफ इट इज बाउंड्री